उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के साथ रिश्ते तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में जल्द सुधार की उम्मीद भी जताई। हालांकि ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और पिछले साल अगस्त से ही अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर समंदर में चीन के सामने खड़ा है। वो कई बार ऐलान कर चुका है कि ताइवान को हड़पने से पहले चीन को अमेरिका से भिड़ना होगा। इसी वजह से शी जिनपिंग अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच जापान में G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने चीन पर हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपने बयान में बाइडेन ने चीन से रिश्ते तोड़ने की बात से इनकार कर दिया। चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बावजूद बाइडेन ने ये उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत के भी संकेत दिए। इधर यूक्रेन की जंग में रूस और चीन के बहुत बड़े गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की एक कंपनी ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। वो भी तब जब वैगनर ग्रुप को मदद रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि इसके बावजूद चीन की कंपनी ने वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। बताया गया कि ये हेलमेट पिछले साल नवंबर और दिसंबर में तब बेचे गए थे जब वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में लड़ने के लिए अपनी सेना में जेल में कैद अपराधियों की भर्ती कर रहा था। हालांकि चीन की कंपनी ने कहा कि उसने जो हेलमेट बेचे उनका इस्तेमाल जंग में नहीं हो सकता, वो तो गेम खेलने के लिए है। और वैगनर ग्रुप के मुखिया ने भी हेलमेट खरीदने वाली कंपनी का नाम तक सुना होने से इनकार कर दिया। इस बीच रूसी सेना के कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कटने की खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक काफी समय तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली गुल रही, लेकिन इसकी वजह से वहां बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिजली कटने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलने का खतरा था। हालांकि रूस के मीडिया का दावा है कि समय रहते बिजली ठीक कर दी गई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलना शुरू होता तो दुनिया वो तबाही देखती जो किसी परमाणु बम के फटने के बराबर होती। यूक्रेन में मौजूद ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। हालांकि इससे पहले भी ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट में बिजली कटौती की खबरें सामने आती रही हैं। इधर अफगानिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई, क्योंकि सेना का ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से नीचे गिरने लगा और एक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी खबर मिलते ही बचाव दल की एक टुकड़ी वहां पहुंची। लेकिन दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका। अफगानिस्तान सेना के मुताबिक वायुसेना का MD-530 हेलीकॉप्टर समंगन इलाके में रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। इसे काफी एडवांस्ड माना जाता है और हवा में दुश्मनों पर प्रहार के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उधर रूस ने दावा किया कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर चाहे जितने प्रतिबंध लगा दें, दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं। ये दावा रूस के उप प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि बीते हफ्ते रूस में हुए कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रूस के साथ 100 से ज्यादा व्यापारिक समझौते किए। और यही वजह रही कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम देशों ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ाकर अमेरिका और उसके दोस्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ईरान जैसा मुस्लिम देश तो पहले ही खुलकर रूस के साथ खड़ा है और अब कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों की भागीदारी ने रूस की बांछें खिला दी। किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और रूस से अपना व्यापार जारी रखा है। सऊदी अरब और मिस्र जैसे अमेरिका के पुराने साथियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत तो ठहराया है, उस पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन से सीधे सीधे उलझने की जरूरत उन्होंने भी नहीं की है।